स्टूडेंट आज मैं आपके सामने इंग्लिश फर्स्ट ईयर आर्ट्स का गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको देखें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी में से ज़्यादातर सवाल आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें आपको 3 सेक्शन दिए जाएंगे, बल्कि 3 नहीं बल्कि 4 सेक्शन दिए जाएंगे। तो मैंने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी डाल दिया है। बाकी 4th सेक्शन जो है वो दरअसल है ग्रामर का, ठीक है, वो मैंने इसमें नहीं डाला है। उसमें तो सेंटेंसेस वगैरह होते हैं और इडियम्स वगैरह। बाकी मैंने आपको सेक्शन ए, जो कि आपके प्रोस यानी सबक असबाक के ऊपर क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो डाल दिया। इसके अलावा सेक्शन बी, जिसमें आपको वर्स यानी कि नज़मों के बारे में क्वेश्चन आंसर आएंगे। और 3rd सेक्शन जो होगा वो आपका होगा 1 एक्ट प्ले यानी ड्रामे में से, ठीक है। तो मैं आपको ये शो करा रहा हूँ, आप इसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। देखें, पहले देखें आप सेक्शन ए के अंदर जो कि असबाक के अंदर से क्वेश्चन आंसर हैं प्रोस में से, वो आप देखें। 1 से लेके 15 तक आपको नज़र आएंगे, स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, आप देख लें पॉज करके 1 से 15 तक, ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाए सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी में भी आपको 1 से लेकर 13 तक नंबर नज़र आएंगे, आप देख लें। ये नज़मों में से हैं आपके वर्स में से, देखें आप, ओके। नीचे भी दिखा देता हूँ मैं आपको, 12 और 13 क्लियर नज़र आ रहा है, सही है। अच्छा, सेक्शन सी में आ जाएं आप, तो ये आपके जो है 1 एक्ट प्ले यानी ड्रामों में से हैं आपके, यहाँ 2 हैं ड्रामे, एक तो प्रोग्रेस है और दूसरा जो है आपका काउंस रेमिंज है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक इसके मैंने आपको सवाल लिखे हुए, आप इसकी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डिटेल आंसर के अंदर मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डाले हैं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो है राइट द स्टोरी, आपको चार जो है टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको मैंने। यूनियन इज स्ट्रेंथ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड टिट फॉर टैट, ठीक है, ये 4 दे रखे हैं आपको। ये दरअसल और में यानी या में आता है, या तो लेटर लिखें या फिर ये स्टोरी लिखें, आप स्टोरी लिख लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऐसे से मुतालिक है यानी मजामीन से मुतालिक है, तो इसमें मैंने आपको 4 मजामीन दे रखे हैं जो आपके सामने नाम लिखे हुए, आप याद कर लीजिएगा इनको इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इनमें से एक तो ज़रूर आएगा, सही बच्चों, उम्मीद देख लिया होगा आप लोगों ने। बाकी आपके MCQs की तैयारी तो आपने 10 ऐसे करनी है जो 40% आएंगी, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया बच्चों आपकी। तो ये मैंने आपके सामने इंग्लिश फर्स्ट ईयर का गेस्ट पेपर आपके सामने प्रोवाइड कर दिया, आप इसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने इंग्लिश 2nd ईयर का गेस्ट पेपर आपके सामने लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।